हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है बालडा विधानसभा क्षेत्र से और बहुत ही आक्रामक नेता डॉक्टर विजय मंदोल हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। काफी गुणगान बड़े बड़े कसीदे पड़े थे दुष्यंत चौटाले के लिए, अजय चौटाले के लिए और कई सालों तक इन्होंने, लेकिन अब ये कांग्रेस में जा चुके हैं। दुष्यंत चौटाला को कोसते कोसते आपने सत्ता से बाहर करके रास्ता दिखा दिया और फिर आम आदमी पार्टी में चले गए। आम आदमी पार्टी भी आपको रास नहीं आई, आप कांग्रेस में आ गए, क्या वजह है डॉक्टर साहब? पुराने अतीत से हमारा दादा परदादा से जो है ना 50 साल से देवीलाल परिवार की राजनीति, उन्होंने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी, उन्होंने किसानों की नहीं सुनी, हमने उनको छोड़ दिया। रीजन केवल एक ही था, कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा, जो वफादार ईमानदार समर्पित साथी थे उनकी उपेक्षा। लेकिन हर समर्पित साथी कार्यकर्ता वो खून के आंसू रोए थे जब इनके ये सत्ता में आए, इनसे उम्मीदें थी, उन्होंने हर जिले के हर हलके के समर्पित साथी को इग्नोर किया। आज अभी अजय सिंह भी और दुष्यंत भी रियलाइज कर रहे हैं, उनकी माता जी जो कि जिसमें उनकी पियर भी आ गया, दड़ोली गांव है आदमपुर में, कुचाना उसका हलका है, वहां से 22,000 वोटों में सिमट गए। तो अब दुष्यंत चौटाला का तो भविष्य क्या लगता है? दुष्यंत चौटाला का भविष्य जीरो, जनता ने पहचान लिया, जो जनता से दगा करेगा, चाहे मैं हो, चाहे मुन्ना लांबा हो, चाहे दुष्यंत हो, चाहे दुष्यंत का बाप अजय चौटाला हो, कोई भी हो, जो जनता से दगा करेगा जनता उसका इलाज करती है। एक ही पावर है जनता के हाथ में, वोट की ताकत। ये फिर भविष्य दिखा नहीं और डॉक्टर विजय मंदोला विधायक नहीं दिख रहे थे बनते हुए और डॉक्टर मंदोला को कुर्सी की बड़ी लालसा है, बड़ी चाह है और ये विधायक की कुर्सी किसी भी सूरत में पाना चाहते हैं। आपकी बात को मैं बड़ी करता हूँ, बिल्कुल महत्वाकांक्षा थी और ये पार्टी का जनादेश थी और है, है आज भी है। हाँ, मानता हूँ। हाँ, खुली बात है, मैं झूठ नहीं बोल। आपकी बात पूरा वादा है, वार्ड विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं क्योंकि अच्छा खासा आपका काफिला आया है यहाँ पर रेली मुदादरी में जी, अच्छी खासी आप भीड़ लेके पहुंचे हो। बिल्कुल, तो टिकट का वादा हुआ जब ही तो आप आई? नहीं नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बात, कोई कमिटमेंट नहीं थी, किसी प्रकार का कोई वादा नहीं। मुन्ना जी हुड्डा साहब ने क्लियर कहा था, बेटे टिकट के लिए आएगा तो देखो अनिरुद्ध को हम इग्नोर नहीं, महेंद्रा को, बाबू जी को इग्नोर नहीं करें, पार्टी टिकट उनकी है, कभी कल ये कहो मेरे को टिकट नहीं। क्या लगता है अनिरुद्ध कितनी बड़ी चलने वाली है कि वो टिकट दिलाएगा? खुद का टिकट का अनिरुद्ध को इतना भरोसा नहीं है, पार्टी देगी किसको देगी? मैं कब कह रहा हूँ अनिरुद्ध मुझे टिकट दिलाएगी? वो लोग भी दावा ठोक रहे हैं जिन्होंने राव दान सिंह की बताए धर्मवीर को, एक महीना पहले धर्मवीर को हराया और आज वो जो है ना शामिल होके और टिकट की इंतजार कर रहे हैं। किस मुंह से? उनसे तो लाख बेहतर है आप। अगर मौका देगी पार्टी तो मार्जिनल जीत जो है ना बार डाल के से होगी पूरे हरियाणा। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी जिस किसी साथी को, हमें हमारा उद्देश्य है तो श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाना, कांग्रेस की सरकार बनाना। दुष्यंत और दिग्विजय, मेरे पास मैसेज भी आए हैं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, और ठीक है उनके बंदे यहां आए हैं भेजे हुए के बात करें, लेकिन मैंने ये कहा भाई एक बार जहां रहमन धागा प्रेम कार मत तोरो तत्काय और टूटे पे फिर ना जुरे जुरे तो गांठ पड़ी जाए, तो अब वो गैप हो गया। हर रैली के अंदर खाना देता था, हमने किया क्या नहीं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट उन लोगों को तवज्जो दी जो गाड़ी में चार आदमी ले जाते थे। हैं, नरेश द्वारा का जिला प्रधान है, कभी एक गाड़ी नहीं लेगा, मैं आपके चैनल के नाम ले रहा हूं। इन्होंने तो, मैं बार बार कहता हूं बात है, दुष्यंत को कुछ दिखाई दिया नहीं, तो इसने तो वो अपने चाहने वाले जो है ना कमाऊकूत अंदर वो दरबारी घोड़े अंदर जंगी पहाड़ की वो काम किया और उसका परिणाम आपके सामने है। आज हर सातल महाजीरो और आने वाले कल को मैं बालडा की जनता से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, एकजुट होकर के जिस साथी को टिकट दे 27,000 नहीं 37,000 से जिताने के बालडा की जनता काम करेगी, ऐसा भरोसा है मुझे। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज 24 पे, मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है बालडा विधानसभा क्षेत्र से और बहुत ही आक्रामक नेता हमारे साथ कई बार बातचीत में मौजूद रहे हमारे हरियाणा न्यूज 24 पे। एक बार फिर दोबारा से खास बातचीत में डॉक्टर विजय मंदोल हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। काफी गुणगान बड़े बड़े कसीदे पड़े थे दुष्यंत चौटाले के लिए, अजय चौटाले के लिए और कई सालों तक इन्होंने, लेकिन अब ये कांग्रेस में जा चुके हैं। कई विषयों पे बातचीत करेंगे कांग्रेस को लेके भी,
और आम आदमी पार्टी में क्या वजह रही कि इनको छोड़नी पड़ी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। मुन्ना भाई लांबा, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज पुनः जो है याद किया बहुत दिनों के बाद, और सभी दर्शकों को भी मेरा राम राम। दुष्यंत चौटाला को कोसते कोसते आपने सत्ता से बाहर करके रास्ता दिखा दिया और फिर आम आदमी पार्टी में चले गए। आम आदमी पार्टी भी आपको रास नहीं आई, आप कांग्रेस में आ गए, क्या वजह है डॉक्टर साहब? देखिए, बहुत खुली बात करना चाहूंगा मुन्ना भाई लांबा, आपके चैनल के माध्यम से ये बात पब्लिक में जाएगी। देखिए, मैं जैसे आपको पता है पुराने अतीत से, हमारा दादा परदादा से जो है ना 50 साल से देवलाल परिवार की राजनीति की, उसमें चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो चाहे अजय चौटाला हो। अब वो जब किसान आंदोलन आया उसकी मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा उन बातों को, आपको 2-3 बार इंटरव्यू में बता चुका हूँ। उन्होंने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी, उन्होंने किसानों की नहीं सुनी, हमने उनको छोड़ दिया। रीजन केवल एक ही था, कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा, जो वफादार ईमानदार समर्पित साथी थे उनकी उपेक्षा की। दूसरा, किसान आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, किसान आंदोलन आ गया, ब्लैक बिल्स आए, कृषि के काले कानून आए, उसमें जो है ना उनमें उम्मीद थी हरियाणा की जनता को कि जो तो देवलाल के पंचीनों में चलते हुए दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है निश्चित तौर पे किसान आंदोलन में किसानों का साथ देंगे। ठीक है, उन्होंने किसानों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप अनर्गल बयानबाजी की, ये वो किसान ये सारे ऐसे गांव के फजूले बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा किसान आंदोलन के बाद के सामने सारे बयानबाजी, और न उन्होंने किसी प्रकार का सहयोग किया। आपने गर्म पानी पी पी के कोसा है उनको? हाँ, कहते तो, साहब की बद्दुआ लग गई है, सब लोग ये कहते हैं जी आपकी बद्दुआ लग गई, बोलो दुष्यंत चौटाला। परमात्मा जो है ना मुन्ना भाई, आप बद्दुआ तो कहोगे जो जो भी है, लेकिन हर समर्पित साथी कार्यकर्ता वो खून के आंसू रोए थे जब इनके सत्ता में आए, इनसे उम्मीदें थी, उन्होंने हर जिले के हर हलके के समर्पित साथी को इग्नोर किया। लेकिन सब मुखर होके बोल नहीं पाए आप, तो मुखर होके ये परमपिता परमात्मा का एक वरदान होता है, आत्मबल जिसमें होता है। हम वहां गए सम्मान के साथ, समझौता नहीं किया हमने, उन्होंने जो हमने बात रखी वो सुनी नहीं, और जब मैंने ज्यादा तो रिक्वेस्ट की तो उन्होंने नहीं मानी, बार बार 3-4 बार 40 आदमी थे बार डाके पिताजी का। फिर हमने ये सोचा कि भाई साहब अगर सुनते नहीं हो तो रिजाइन ले लो, चल ले लिया रिजाइन। वो वहां थोड़ा हा फिर हमारा काफी इस बात पे वाद विवाद तर्क वितर्क हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। लेकिन आपने एक बात बोला था उस समय, अब की बार जनता दुष्यंत चौटाला को उनके परिवार को जमुना पार भेजेगी, बोला था मैंने। क्या लगता है जमुना? मैंने पहले बताया था आपको, समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, एक समय आएगा ये याद करेंगे। आज अभी अजय सिंह भी और दुष्यंत भी रियलाइज कर रहे हैं, उनकी माता जी जो कि जिसमें उनकी पियर भी आ गया, दड़ोली गांव है आदमपुर में, उचाना उसका हल्का है, वहां से 22,000 वोटों में सिमट गए, और टोटल जो है 1,00,000 और ये मान के चलो 15,000 वोटों पे जेजेपी सिमट गई, तो उनका तो अपना एहसास हो चुका है। रही बात आपका दूसरा क्वेश्चन, उसको मैं ज्यादा उनको मत कुदे रहो आप, तो अब दुष्यंत चौटाला का तो भविष्य क्या लगता है? दुष्यंत चौटाला का भविष्य 0, जनता ने पहचान दिया, जो जनता से दगा करेगा चाहे मैं हो चाहे मुन्ना लांबा हो चाहे दुष्यंत हो चाहे दुष्यंत का बाप अजय चौटाला हो, ठीक है, कोई भी हो, जो जनता से दगा करेगा जनता उसका इलाज करती है। एक ही पावर है जनता के हाथ में, वोट की ताकत। अब वोट का अवसर आया लोकसभा चुनाव में, आपको सामने रिजल्ट है, उनको टोटली नकार दिया और 0 पे लाके, यानी 1% वोट नहीं आए, 99 से भी नीचे चले गए। आम आदमी पार्टी में रास नहीं आई? हाँ, आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन की, लेकिन मैं उसमें एक मेरा छोड़ने का एक कारण था कि जब केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और खुले मुंह से मुखारविंद होकर के ये कहा कि जो SYL का मुद्दा था पानी का, पंजाब में आपकी सरकार है, पत्रकारों ने सीधा सवाल पूछा था, पंजाब में आपकी सरकार है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक में है, अब तो आप हरियाणा के पूत हो, अपने आप को हरियाणा का पूत बोलते हो, लाडले हरियाणा के, सिवानी इनका क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र, वहां से आप बिलोंग करते, क्यों नहीं आप ये पानी की दिलवाते? उस समय जब है ना पानी दिलवाने की बजाय पता क्या बोले केजरीवाल, वो आपको शायद याद होगा, आपके चैनल पर भी मैंने देखा और चैनलों पर भी देखा कि हम पंजाब के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो पंजाब के हितों से समझौता नहीं करोगे, लेकिन हरियाणा के हितों से कुठाराघात जरूर करोगे। मैंने उसी दिन संदीप पाठक को फोन किया, ये बयानबाजी पहले भी दी उन्होंने, अनर्गल बयानबाजी हरियाणा के इस SYL के मुद्दे पे, तो क्या पड़ी थी इनको ये अनर्गल बयानबाजी? उसी समय हरियाणा के हितों के मुद्दे की जब बात आई, मगाइए तो भाई कुछ नहीं।
ये तो हरियाणा के हितों की बात ना करके पंजाब के हित की बात कर रहा है। तो उसी दिन मेरा ऑनलाइन रिजाइन है, संदीप पाठक हमारे पर भारी, उनको मैंने ऑनलाइन रिजाइन कर दिया, कॉपी टू केजरीवाल। ऑनलाइन रिजाइन ये वजह रही या फिर भविष्य दिखा नहीं और डॉक्टर विजय मंदोला विधायक नहीं दिख रहे थे बनते हुए, और डॉक्टर मिदुला को कुर्सी की बड़ी लालसा है, बड़ी चाह है, और ये विधायक की कुर्सी किसी भी सूरत में पाना चाहते हैं। जेजेपी से बायकॉट किया, वो विधायक नहीं बना पाए उधर आपको, और आपको भलाई नहीं मिली तो उसने वहां से आप बोरिया बिस्तर बांध के चलते बने। देखो अब वो फिर आम आदमी पार्टी में आपने देखा, पंजाब में सरकार बन चुकी है आम आदमी पार्टी की, और हरियाणा में भविष्य दिख रहा है, तो डॉक्टर साहब का मन किया इस पार्टी में चल पड़ते, नई नई पार्टी है और आपका सिक्का जम जाएगा, आपकी दाल गल जाएगी और आप विधायक पद पे बैठ जाएंगे और बाड़ला में राज करेंगे विधायक की कुर्सी पे। तो यहाँ भी आपने भविष्य देखे कि आम आदमी पार्टी का भविष्य नहीं है फिलहाल, और पंजाब का मैटर अलग था, हरियाणा का अलग है, दूर दूर तो पंजाब में आम आदमी पार्टी कहीं सरकार बनती नहीं दिख रही, तो इससे अच्छा फिर आपने तिकड़म बिड़ाई और तिकड़म बिड़ा के सीधा कांग्रेस में पहुंच गए, ऐसा ही है। देखो लोग कहते हैं, आप नहीं कहते, नहीं आपकी बात सही है। देखो ये चीज निश्चित तौर पे बैकफुट पे आई जब ये बयान दिया ना आम आदमी पार्टी, पूरी जनता ने वो बयान सुना, मैंने नहीं सुना, आपने भी सुना, सब ने सुना। जब हरियाणा के हित की बात करता है तो हरियाणा का अगर कोई उम्मीद हो, जब जनता विमुख हो गई जिस पार्टी से, उस पार्टी में रह के करेंगे क्या? नेता की खुराक तो जनता होती है, जनता की फीलिंग्स होती, भावनाएं होती, इमोशन होते हैं। अब हरियाणा की जनता ने यह कहा, देखो केजरीवाल क्या हरियाणा का होते हुए हरियाणा के हित के खिलाफ बोल रहा है, भाई ये रीजन था, न मेरा कोई इश्यू था, जहां तक टिकट की बात है और कुछ है, जिस पार्टी के इस नेता जो सुप्रीम लीडर है वो हरियाणा के हित के खिलाफ बोलेंगे और उस वजह से हरियाणा की जनता उनके खिलाफ होगी, उस पार्टी में रह के क्या अपना भट्ठा थोड़ी बिठाना हमने? आपकी बात को मैं बड़ी करता हूं, बिल्कुल महत्वाकांक्षा थी और ये पार्टी का जनाधार थी और है, है आज भी है, हाँ, मानता हूं, हाँ, खुली बात है, मैं झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल सही है। जो जनता ये कहेगी भाई, कोई कईयों के कमेंट में देखता हूं भाई ये कहा भाई उस पार्टी में, उसमें बिल्कुल था, लेकिन मैंने उस पार्टी में एक्टिव होकर कभी काम नहीं किया, मैं साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा था। अभी मैंने 25 तारीख को दानसिंह को टिकट मिली, 26 तारीख को हुड्डा साहब और बावरिया और अपना ये उदय बांजी, इनके नेतृत्व में दिल्ली हमने 75 साथियों के साथ, जो बाड़ा के एक्स पदाधिकारी थे, कुछ वर्तमान थे, उनको लेके बड़ी ज्वाइनिंग थी हमारी, 1.25 घंटे ज्वाइनिंग चली, सबको एक एक आदमी को फटकापन आके सह सम्मान पूरा आश्वासन दिया, हुड्डा साहब बोले, मैं बोला और अबू भाई पवार, हम सारे गए थे। तो बाड़ा के उसमें है ना लगभग 70 के करीब पदाधिकारी बाड़ा के थे, जो डिफरेंट पार्टी इनेलो से भी थे कुछ, और ज्यादा जेजेपी के थे, और उसका परिणाम हमने हमने मेहनत की चुनाव में, और आपको पता है 76,000 लगभग 77,000 वोट, 76,900 कुछ वोट दानसिंह की आई, और नैना जी की आई थी 2019 में 52,704 वोट। तो आपकी मेहनत थी दानसिंह की, सुनो सुनो आप मेरी बात, मैं जो कहना चाहता हूं, कार्यकर्ता हूं, हम कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, तो हमने जनता चुनाव लड़ रही थी, हमने क्या मेहनत की उसमें? नहीं जनता चुनाव लड़ रही थी, बिल्कुल लड़ रही थी, लेकिन ने कहा, नेताओं ने कहा ये आपके वोट नहीं है, जनता के वोट, जनता खुद चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल लड़ रही है, किसी कार्यकर्ता की मेहनत ही है, जो 27,000 बार अच्छा आपको वोट आए हैं आपकी विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन आप उसका एक आकलन करोगे ना, एक पहलू तो आप बोल रहे हो ये है, आप जनता चुनाव, बिल्कुल निश्चित तौर पे जनता का मूड था, लेकिन जनता का मूड तो जनता ये क्या जेजेपी के अंदर जो पूरे पदाधिकारी जिन्होंने 53,000 वोट दी थी, आज 1948 वोट राव बहादुर सिंह की आई, 51,000 वोट कहां गई आप बताइए? मैंने 387 आदमियों को ज्वाइन कराया, डिफरेंट अलग अलग गांवों के, 187 गांव है, 387 मेन मुख्य पदाधिकारियों को ज्वाइन कराया, वहां जाके अलग अलग गांव में सब जगह सबको डांसिंग से भेंट करवाई, कुछ को दीपेंद्र सिंह बुलवा, इवन हल्का अध्यक्ष, वर्तमान हल्का अध्यक्ष रामपुर कादमा, आप कल्पना करो, वो भी मेरे साथ ज्वाइन किए, अनिरुद्ध जी और मैंने प्रयास किए, तो अनिरुद्ध को मैंने बुलाया और वहां से हम दीपेंद्र हुड्डा के जूई रैली में उसको ज्वाइन करवाया, उसकी पूरी टीम है, यूथ इकाई के भी रहे हैं वो कई साल, और जनरल बॉडी के वर्तमान हल्का अध्यक्ष जेजेपी बारड़ा उसको भी, तो आप कल्पना करो वो 51,000 में से 2,000 घटा दो, 53 में से 51,000 वोट कहां गई, और 39,000 समथिंग आदमी चौधरी रणवीर सिंह महेंद्रा जी की वोट है, 39,000 के करीब वोट आई थी, जहां मेरा अनुमान है 100-200 ऊपर नीचे 39,500, और अब आती है 77,000 से ज्यादा, तो ये 36,000-37,000 का जो गैप है, ये मैं निश्चित तौर पर मैं दावा करता हूं कि जनता थी नो डाउट, लेकिन जो इसके बावजूद भी 14-15,000 वोट और इधर उधर धर्मवीर की भी गई और की, लेकिन ज्यादा हमारे जेजेपी वालों ने दानसिंह को सपोर्ट किया सारे पदाधिकारी। डॉक्टर साहब ये जो मैं ये इच्छा है जो आपकी विधायक बनने की जी,
तो डॉक्टर साहब ऐसे तो आए ही नहीं होंगे, सीधे ज्वाइनिंग कर ली, अब तो कोल करार तो हुआ होगा। अब भाई चुनाव आपको लड़ाएंगे, बाड़ा से आप चुनाव लड़ेंगे, आपको टिकट देंगे, या फिर एकदम साइलेंट तरीके से आगे ठीक है मुझे टिकट नहीं दे दो तो दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये कोल करार आपकी बार पूरा वादा है, बाड़ा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं आप, क्योंकि अच्छा खासा आपका काफिला आया है यहाँ पे रेली मदादरी में जी, अच्छी खासी आप भीड़ लेके पहुंचे हो, बिल्कुल। तो टिकट का वादा हुआ जभी तो आप आई होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बात, कोई कमिटमेंट नहीं थी, किसी प्रकार का कोई वादा नहीं मुन्ना जी। लेकिन दो चीज इंपोर्टेंट है इसमें, अनिरुद्ध चौधरी जी जो चौधरी बंसीलाल जी के पोते हैं, आदरणीय चौधरी रणवीर सिंह महेंद्रा जी के लाडले हैं, उनको चुनाव लड़ना था, हमने उनसे कमिटमेंट कर लिया था कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि हुड्डा साहब का भी आदेश था कि किरण चौधरी और रणवीर महेंद्रा बंसीलाल के वहां परिवार में बैलेंस बनाना है। तो ये हिदायत है, हमारी बातचीत हुई तो ये हुड्डा साहब ने क्लियर कहा था, बेटे टिकट के लिए आएगा तो देखो अनिरुद्ध को हम इग्नोर नहीं, महेंद्रा को बाबू जी को इग्नोर नहीं करेंगे, पार्टा टिकट उनकी है, कभी कल ये कहो मेरे को टिकट नहीं। अनिरुद्ध तो अब सुनना ना, स्थिति परिस्थितियां बदल गई, उस समय की बात करा, एट द टाइम ऑफ माई ज्वाइनिंग, कि वो है हमारे किरण चौधरी, उधर हमारे लगभग मुखर विरोधी रहती है, और इधर रणवीर महेंद्रा, दोनों में बैलेंस बनाना है तो अनिरुद्ध चौधरी को चुनाव लड़ाएंगे। मैंने कहा जी हम मदद करेंगे और निश्चित तौर पर अनिरुद्ध चौधरी को बारडा से विधायक बनाएंगे, और हमें प्रायश्चित भी था, ईमानदार आदमी को हमने दो तीन बार हराया, हमने विरोध किया उनका वोट के उस चोट से, और वोट डाली उनके खिलाफ, काम भी किया खिलाफ, और उनको हराने का जो काम था उसमें छोटा योगदान हमारा और हमारी पार्टी का रहा, हमारा रहा, तो वो प्रायश्चित भी था मेरा कि उनको अब की बार जिताएंगे निश्चित तौर पे। अनिरुद्ध को आप चाहे बात करना, कभी अनिरुद्ध का इंटरव्यू लें तो बात कर लेना, मैंने निश्चित तौर पे, और अनिरुद्ध जो है ना, मैं अनिरुद्ध चौधरी के बजाय अनिरुद्ध बंसीलाल बोलूंगा, बंसीलाल के वारिस हैं आज वो, अनिरुद्ध बंसीलाल ने आश्वासन मुझे ये दिया कि आप आओ और आपका पूरा सम्मान पार्टी में, हुड्डा साहब उस ज्वाइनिंग के टाइम अनिरुद्ध जी वहां थे दिल्ली। क्या लगता है अनिरुद्ध कितनी बड़ी चलने वाली है, वो टिकट दिलाएगा खुद का टिकट का, अनिरुद्ध को इतना भरोसा नहीं है, पार्टी देगी किसको देगी? मैं कब कह रहा हूँ अनिरुद्ध मुझे टिकट दिलाएगी, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ उन्होंने भी जो ज्वाइनिंग के समय साथ थे सम्मान का, और आज परिस्थितियां बदल गई, किरण चौधरी भाजपा में चली गई और अनिरुद्ध चौधरी जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है और वो खुद भी दौरा शुरू कर रहे हैं अभी 16 तारीख से, तो वो तो शाम जो गृह क्षेत्र है चौधरी बंसीलाल की जो राजनीतिक विरासत है उसको संभालेंगे, क्योंकि वो इकलौते वारिस है उनके, तो वहां संभालेंगे, तो बाड़ा वैकेंट होगा। अब फिर हमने ताल ठोकी है कि भाई हम भी हैं। डॉक्टर साहब आपको टिकट क्यों दे, एक रीजन बता दीजिए, बाड़ा विधानसभा से आपकी प्रबल इच्छा है बिल्कुल कि विधायक बने, और आपने अक्सर कहा है दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला ने पूरी जवानी हमारी पूरा खून चूस लिया, उनको जड़े मजबूत करने में पूरा जीवन निकाल दिया हमने, और हमें मिला कुछ नहीं, वो ठेंगा दिखा दिया लास्ट में जी, यानी कि बाहर कर दिया, धक्के मार के चलो आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप अक्सर कहते रहते हो जी। तो अब टिकट क्यों देगी आपकी पार्टी, एक रीजन बता दीजिए, डॉक्टर विजय मंदोला को बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस क्यों टिकट देगी? देखिए अब बीजेपी और कांग्रेस लोकसभा के समीकरण कुछ और होते हैं, विधानसभा के विभिन्न अलग होते हैं, बिल्कुल सही है, डिफरेंट होते हैं, जो सरकमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, कैंडिडेट वाइज भी पार्टी वाइज भी चेंज होते हैं। अब जो है ना पार्टी है, पार्टी के अंदर हमारे से पहले भी दावेदार हैं, ये पार्टी हाईकमान को देखना है कि कौन बंदा, कौन कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जो सीट को मार्जिन से निकाल सकता है। एक एक सीट आने वाले कल के भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, और उस कड़ी में यह देखना है कि सबसे ज्यादा मजबूत जिस आदमी ने अतीत में लोगों को आपने देखा कि रणवीर सिंह महेंद्रा को पार्टी के ही नेताओं ने हराया और खुला मैं फटका पहनाने वाला हूं कुछ लोगों को, तो जो कैंडिडेट बने बैठे थे विगत चुनाव में टिकट नहीं मिला तो वो किरण मैडम के नैना सिंह के साथ आए, हमने उनको ज्वाइनिंग कराई, अब वो लोग भी दावा ठोक रहे हैं, वो लोग भी दावा ठोक रहे हैं जिन्होंने राव दान सिंह की बजाय धर्मवीर को, एक महीना पहले धर्मवीर को हराया, और आज वो जो है ना शामिल होके और टिकट की इंतजार कर रहे हैं। किस मुंह से, उनसे तो लाख बेहतर है हम, हमने जहां जिस पार्टी में काम किया वफादारी से काम किया, ईमानदारी से काम किया, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करते हुए उनको साथ लेके चला, मैं चाहे मैं हल्का अध्यक्ष रहा हूं, चाहे मैं 14 साल बुद्धिजीवी सेल का जिलाध्यक्ष रहा उसमें भी, तो मैं मेरा आप कह रहे क्यों आपको टिकट दे। अगर पार्टी हाईकमान को कहिए लगेगा कि भाई मेरे सांगवान गांव के भी, सांगवान खाप के हमारे व्यक्तिगत 26 गांव पड़ते हैं जिनकी लगभग 65,000 से ऊपर वोट है, मेरा स्कूल संस्था उसका बेनिफिट है, मेरा एरिया ये जो छाणस बोलते हैं इसमें होल्ड है, तो और पूरा का पूरा जो कांग्रेस के वोट भी हैं
और मेरे व्यक्तिगत जनाधार भी है और जेजेपी और इनेलो का है वो जनाधार, तो मैं कोई सबसे मजबूत प्रत्याशी साबित हो सकता हूं। मैं भी बढ़ाई नहीं कर रहा मेरी, अगर मौका देगी पार्टी तो मार्जिनल जीत जो है ना बारडाल के से होगी पूरे हरियाणा। डॉक्टर साहब आपके ऊपर जनता जनार्दन आरोप कई प्रत्यारोप चलते रहते हैं, हाँ जी, कि डॉक्टर साहब जो चौटाला साहब के साथ जरूर एक जगह रहे, हाँ जी, अब अशोक तंवर बन चुके हैं दूसरा, हाँ जी, कभी तो कांग्रेस में कभी आम आदमी में बीजेपी छोड़ने के बाद जी, अब बोलो टिकट नहीं मिली तो कहाँ जाएंगे? ऐसा है ठीक, जहां तक आपको अशोक तंवर ने 10 बार पार्टी बड़ा केडर का, मैं तो कार्यकर्ता है, हम कंफर्टेबल नहीं थे, हमने देखा, मैंने तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, मैं वहां एक्टिव भी नहीं रहा, मैंने देख रहा था, मैं टकटकी लगा के इसका सिस्टम क्या है, तो सिस्टम समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं कहीं भी, आप किसी भी रैली में, 10 रैली हुई है, आपने देखा कभी काफिला नहीं लेके गया, मैं सिंगल गाड़ी से जाता था, मैं देख रहा था साइलेंटली ऑब्जर्व, मैंने देखा फिर ये इसके बयानबाजी आ गई, तो मैं कहा इसमें तो दम नहीं है, और दम नहीं है जिस पार्टी में जो हरियाणा के हित के खिलाफ बोलता है, और जिस पार्टी का कोई जनाधार इस वजह से खिसकता है कि वो पार्टी हरियाणा के लोगों के हकों की आवाज को बुलंद करने की बजाय उनके खिलाफ बोलता है, तो इसलिए वो छोड़ गया। दम नहीं है या फिर फाइट में नहीं दिखी आपको पार्टी? नहीं, बिल्कुल फाइट में कांग्रेस थी, बिल्कुल ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी है, आज कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल जनाधार है, और सब आदमियों की कोई कैंडिडेट हो सब क्या ये वो देखेगा, वो ठिकाना देखेगा जहां मजबूत होगा, और वो खुद भी मजबूत हो पार्टी मजबूत हो तो डबल मजबूती से वो आदमी अलग से द रेयरेस्ट जो रिजल्ट होते हैं ना वो देने का काम करता है वो आदमी। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और हम खुद भी मजबूत है, और जिस किसी एक बात और सुन लो, आपने टिकट नहीं मिली तो कहां जाएंगे, किसी भी साथी को मैं बार बार कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, जिस टिकट की दौड़ तक मेरा भी अधिकार है, पुराने जो साथी उनका भी अधिकार है, जिन्होंने दगा करा एप्लीकेशन वो फार्म वो भी भरेंगे उनका भी अधिकार है पार्टी के साथ, जिन्होंने चाहे दान सिंह के साथ धोखा करा इस इलेक्शन में धर्मवीर की मदद करी वो भी टिकट की इंतजार कर रहे हैं, और महिंद्रा को भी 3 बार हराया जिन लोगों ने, खुल्लम खुल्ला आके अभी हराया 19 में, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर पार्टी टिकट नहीं देगी जिस किसी साथी को, हमें हमारा उद्देश्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाना, कांग्रेस की सरकार बनाना, और आपने देखा 50 साल से अधिक जब एक पार्टी में टिके हैं, ये तो मेरा आप तंवर से मेरे को जोड़ रहे हो, गलत जोड़ रहे हो, मैंने 1 साल 1.5 साल ऑब्जर्व किया मानुटली, जनता कहती है, जनता भी जोड़ रही है, जनता को ये पता है, डॉक्टर साहब ने कभी भी इन आम आदमी पार्टी के अंदर काम किया हो या कहीं किसी स्टेज पर ज्वाइन मैंने की थी वो मेरी भूल थी, मुझे लगा ये था कि भी अच्छा प्रादुर्भाव हो सकता है ये पार्टी इसमें आए और अच्छा नीतियां, अब उसके सारा सिस्टम वो आप देख रहे हो, वैसे भी देख रहे हो, आम आदमी उजाले की सबसे बड़ी भूल थी आपकी, बिल्कुल ज्वाइन कर, मैं मानता हूं कि उस बिना सोचे समझे मैंने जो ना मतलब आनंद फानन में एक मित्र आ गया और उसने बड़ा मोटिवेट किया और उस मित्र को मैं मना नहीं कर सका, वो मेरे को ले गया और आज वो भी खुद भी पार्टी छोड़ चुका है, वो भी पार्टी में नहीं है, मैं कहा उसको भाई तने तो मेरा एक पार्टी का नाम बनाना था तो वो चलो साथी है, हम चले गए थे, लेकिन आज बाकायदा चुनाव की टिकट मिलने से पहले कमिटमेंट हुड्डा साहब से दीपेंद्र से मिले, उन्होंने कहा सम्मान के साथ ज्वाइनिंग होगी, 25 तारीख को दान सिंह को टिकट मिली, 26 तारीख को 2 बजे हम गए, हमने ज्वाइन करी और उनको यही आश्वासन दिया सबसे ज्यादा जिताएंगे बारडा से, और बारडा से सबसे ज्यादा हमने जिताया नोल, कमिटमेंट किया सारे साथियों। डॉक्टर साहब एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ जी बताओ, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, हाँ जी, अगर आपको मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचती, हाँ जी, दिल पे हाथ रख के बताना, हाँ जी, क्या वास्तव में आज दुष्यंत चौटाला को हर व्यक्ति की जरूरत है, और आपका मान सम्मान अगर रहता इस पार्टी में लगातार आप भी बने रहते हैं, आप इस घड़ी में क्या डॉक्टर विजय जो मंदोला है वो खड़े रहते दुष्यंत चौटाला के साथ, या फिर इस घड़ी में ये भी मौके का फायदा उठा के रफू चक्कर हो? निश्चित तौर पे इस परिवार के साथ रहता अगर सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता, अतीत से जुड़े हुए हैं, लगभग 50 साल से ज्यादा कर्सा हो गया, दादा से पिताजी, कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की, मैं आपको वो केसरी शर्मा की भिवानी की रिपोर्ट दिखा सकता हूँ जिसमें मैं यानी कि 2002 में भी मैं 2002-2004 के चुनाव में भी मैं दावेदार था टिकट का, क्लियर, आज 25 साल पहले भी, और लगातार टिकटें कर्नल साहब को 2 बार दी और दी, हमने कभी भी कोई किसी प्रकार खुला रूप से कर्नल साहब से पूछ लेना, मैंने मदद की थी, मेरे जोन से जिताया था, 11 गांव का प्रभारी था उससे जिताया, जबकि कर्नल साहब अपने गांव में भी 5-7 वोटों से उम्मीद से आ रहे थे पतुआ से, तो हम पार्टी नहीं छोड़, लेकिन सम्मान जहां ना मिले तो उस जगह को स्वामी दयानंद ने लिखा है उस स्थान को एविलम छोड़ दिया, चलो आपने छोड़ दिया, लेकिन जिन लोगों को इतना मान सम्मान दिया, जिन लोगों का तुर्रा शिखर में रखा उन्होंने जी, उन लोगों को कुछ कहना चाहिए इस मौके पे वो भी
देखिए वो तो देखिए वो जो जो अजय सिंह चौटाला जी हैं वो खुद प्रायश्चित कर रहे हैं और उनको और एहसास हो जाएगा। दुष्यंत और दिग्विजय, मेरे पास मैसेज भी आए हैं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, और ठीक है उनके बंदे यहाँ आए हैं भेजे हुए कि बात करें, लेकिन मैंने ये कहा भाई एक बार जहां रहिमन धागा प्रेम कार मत तोरो चटकाए और टूटे पे फिर ना जुरे जुरे तो गांठ पड़ी जाए, तो अब वो गैप हो गया। उन्होंने प्रयास भी किया है मैं मानता हूँ, आपको पता है रियलाइज भी किया, आपको पता है राजनीति में कभी लड़ाई नहीं होती, राजनीति में सिर्फ मुद्दों के तक की लड़ाई है, पर्सनल लड़ाई कभी नहीं होती। बिल्कुल, तो आपने इतने दिल पे क्यों ले लिया ये बात? नहीं, ये एक हमने धर्म भाई माना हुआ अजय सिंह चौटाला, पहले भी मैंने आपको बताया जहाँ रिश्ते ज्यादा गाढ़े होते हैं और वहां उम्मीदें भी रहती हैं, सम्मान की, प्यार की, प्रेम की, स्नेह की, सारा लगाव की, वो सब होता है, लेकिन राजनीति से हटके हमने धर्म भाई माना। जेल में अजय सिंह था तो हमने खूब डटके उनकी जो है ना मदद की, तन मन धन से मैंने 17 कैंप लगाए मेडिकल के अजय के जन्मदिन पे, और आप देखते थे मेरे 100 गाड़ियों के काफिले जाते थे, हर रैली के अंदर खाना देता था, हमने किया क्या नहीं, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट उन लोगों को तवज्जो दी जो गाड़ी में 4 आदमी ले जाते थे। नरेश द्वारा का जिला प्रधान है, कभी एक गाड़ी नहीं लेगा, मैं आपके चैनल के नाम ले रहा हूं, ठीक है, कभी किसी अतीत का लाइव वीडियो दिखा दो, कहीं भी दिखा लाइव वो चलेगा। एक दिन तो कहता है दुष्यंत को, मैंने कहा जी मैं कई काफला लेके आऊं, उन्होंने देख लिया डॉक्टर साहब लाइव, तो कहता है भाई साहब नरेश द्वारा का, बोले मैंने ये रेडियो चलानू ना आवे ना तो मैं भी डाल दूं, रेडियो उसने चलानू आवे तो ले आवे यार वो दिखावेगा, तो हमने तो काफले ले लेके गए हैं, और सारे जननायक जनता पार्टी के रिनेलो के जो अतीत के साथी है ना वो जानते हैं विजय सांगवान मेहनत करता। मैंने यहाँ पर अभी केवल 50 गाड़ी बोली थी आपको बताऊं, इसमें उड़ा साहब की 8 तारीख की रैली में, और मैं 200 गाड़ी लेके आया हूँ, मैं 4 गुना काम करने वाला हूँ किसी भी पार्टी में। उड़ा साहब को सीएम बनाना मकसद है, अब उनका जिक्र छोड़ो, हमारी पार्टी की कोई बात है ना मुन्ना साहब, वो पार्टी की तो बात, एक दर्जन प्रत्याशी है कांग्रेस के। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर मैं फिर एक बार पूछ लेता हूँ, टिकट मिले या ना मिले, ठीक है, क्या डॉक्टर साहब निर्दलीय लड़ेंगे या फिर अन्य किसी पार्टी से लड़ने वाले हैं, या अपनी पार्टी जो पुरानी हो चुकी JJPC वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर कांग्रेस के साथ, क्योंकि डॉक्टर विजय मेंदोला भी उम्र का पड़ाव भी देखा जाता है, तो आपकी भी एक महत्वाकांक्षा तो आदमी की हरकी होती है, बड़ी कुर्सी पर बैठूं, जनता के काम करूं, मैं भी आपके भी बहुत सपोर्टर हैं, आपके चाहने वाले हैं लोग, अक्सर आपके कहने से दौड़े चले आते हैं, तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा यार इनका हमने खाली इनको यूज किया है, जी। काम तो किसी का मैंने किया ही नहीं, और काम आप जब कर पाएंगे जब किसी बड़ी पावर होगी आपके पास, जी। तो वो कार्यकर्ता भी अक्सर आस लगाए बैठे हैं कभी तो डॉक्टर साहब जरूर बनेंगे, हमारे भी काम हो गए छोटे मोटे, क्या कहेंगे? देखिए मुन्ना भाई, आपने बड़ा सही प्रश्न किया है, जहां तक टिकट की बात है मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, टिकट पुराने समर्पित साथी को दे, हम नए आए हैं, परिवार का सदस्य मैं भी हूं, अगर ये लगे कि विजय सांगवान मजबूत है मुझे दें, पार्टी हाईकमान का काम, ये हमारा काम है, जिसको देंगे मुझे मिली तो ये दावा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से आज तक का जीत का वारणा का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, ये मेरे को कॉन्फिडेंस है मेरे योद्धाओं पर, मेरे वर्करों पर, कांग्रेस पार्टी के भी ऐड होंगे, हमारे ऐड होंगे, प्लस एक बहुत मजबूत जो है ना स्थिति में होगा कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट विजय मेंदोला अगर टिकट मिलती है, अदरवाइज जिसको मिलेगी उसको तन मन और धन से मदद करेंगे, जिस साथी को कांग्रेस आए, क्योंकि आप कहते हो काम कराएंगे, लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम होंगे, दीपेंद्र हुड्डा जी के पास ताकत आएगी, ठीक है, उस समय हम इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि अपने साथियों के काम वहां जा करके सीधे कराएंगे कोई तो, भी साथी। तो 35 साल से चौटाला सरकार में क्यों नहीं करवा पाए काम? नहीं 35 कैपेसिटी, आप साहब मुख्यमंत्री भी रह लिए आपके, ओम प्रकाश चौटाला साहब 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल काम कराए, तो फिर भी आप काम नहीं करवा पाए। अब आप कहते हैं सीधा कांग्रेस में नए आके और हुड्डा साहब से हम काम करवा लेंगे, तो सब ये थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, इनेलो पार्टी में खूब काम हुए, हमने कह के औरों के भी कराए, कई नौकरी भी लगाई पिताजी हमारे, उन्होंने कहा वो लगे, चौटाला साहब ने जॉब भी लगाए, और भी काम हुए नो डाउट, उस समय जब इनेलो थी, जब JJP आई है, जब परिवार बटा है, उसके बाद विनाश शुरू हो गया इनका, और उसके बाद उपेक्षाएं शुरू होगी, इन्होंने तो मैं बार बार कहता हूं वही बात है, दुष्यंत को कुछ दिखाई दिया नहीं, तो इसने तो वो अपने चाहने वाले जो है ना कमाऊ कूत अंदर, वो दरबारी घोड़े अंदर जंगी भाड़ ही वो काम किया, और उसका परिणाम आपके सामने है, आज 7 अलमा आगे 0 पर चले गए। और रही बात, फिर कह रहा हूं जो टिकट नहीं देगी मुन्ना लांबा जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी के सम्मानित समर्पित जो है ना हमारे जो नेता हैं, उन नेताओं के आदेश पर जिसको टिकट देंगे उसको जिताने का काम करेंगे, और
जब सत्ता बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे तो काम भी होंगे और काम करवाने की कैपेसिटी में पहले हम उसमें भी थे और इसमें भी रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विजय मंदोला खास बातचीत में बने हुए हैं, बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से काफी सशक्त उम्मीदवार है, ऐसी बात नहीं है, और काफी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, शिक्षण संस्थान है, काफी इनके रोजगार है, लोगों को सहायता भी करते रहते हैं, ये अक्सर हमें मिलते रहते हैं और इनसे बातचीत भी करते हैं। नैना चौटाला की बातचीत करें, लोग अक्सर कहते हैं सबसे बड़ी भूल थी या नैना चौटाला को जिताना, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, लोगों की बात पर मोहर लगाता हूँ कि 250 किलोमीटर से यहाँ आके उस समय तो हमें तो देखो मेरी पार्टी में थी, मुझे तो जो आदेश मिला जेल में बुलाया अजय सिंह ने मेरे को, दुष्यंत लेके गया, उन्होंने कहा डबवाणी से मैडम आ रही है भाई वहां से लड़वा दे अगर साथ दो तो, उसने क्योंकि यहाँ पर रखी थी उस समय मैडम की महिला कोटे में बिन्नू सांगवान मेरी वाइफ की बिल्कुल क्लियर हाँ भरी थी, तो बुला के कहा भाई अब स्थिति बदल गई, वहां सर्वे कराया है तो वो लूज कर रही है, वहां लड़ा दे, मैं जेल में हूँ भाई अपने आप को, भाई साहब आप जेल में हो तो आप लड़वा दो, कोई नहीं, उन्होंने लड़ाया और हमने जताए, उसका दोषी मैं भी हूं, लेकिन वो गलत फैसला था कि बाढ़ डाल के का आज मैडम दो दो महीने नहीं आती, तीन तीन महीने नहीं आती, कोरोना में एक साल नहीं आई, यहाँ बाढ़ डाल तो ऐसा हल्का होगा, यहाँ का विधायक है नहीं, यहाँ जो पीछे जो गुर्गे छोड़ रखे हैं जिस टाइप के जिनका काम है वो उन्होंने उपेक्षा करनी, कार्यकर्ताओं की बोले तो क्या भ्रष्टाचार या क्या नहीं, भ्रष्टाचार भी हुआ है, आपने पीछे पंचायत में देखा 84 करोड़ का जो झुंझु ब्लॉक में रखा है और 94-95 करोड़ का बाढ़ ब्लॉक में भ्रष्टाचार पंचायत उनमें हुआ है, झूठे बिल बना के और टाइल की उनकी जो फैक्ट्री कंपनियां जो थी वो रजिस्टर ये जीएसटी वाला सारा सिस्टम उसमें डाल के अकाउंट वो गड़बड़ झाला आपके सामने, राकेश आरटीआई भी लगाई। डॉक्टर साहब, विधायक का आना या ना आना कोई बड़ी बात नहीं है, काम हुए या नहीं हुए बाढ़ ऐसा जो आपके हिसाब से होने चाहिए थे, क्या उस गति से काम हुए हैं? देखिए काम उस गति से जो होने से जो उम्मीद थी लोगों को बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि दुष्यंत की माँ डिप्टी सीएम की माँ जहाँ से हल्के से विधायक हो और एक आम सामान्य हल्के जैसे एक विधायक होता है हल्के का सामान्य सिंपल ओनली एमएलए जिसका कोई राजना घराना ना हो जिसका कोई डिप्टी सीएम ना हो, तो उससे भी मैं मानता हूँ कम काम हुए। आप काम करने की बात करो, यहाँ आप देखो कॉलेज का स्टाफ है, ये दादरी हल्का है, दादरी जिले में कोठी बना रखी है मैडम ने, स्टाफ जो है ये महाविद्यालय बना हुआ है ये भैरवी में, उसके पास कमरे देखो लेंटर गिर रहा है, स्टाफ नहीं है, हमने आंदोलन किया जनचेतना विकास मंच का, मैं अध्यक्ष हूं जिला का, हमने वहां पूरा धर्मवीर जी को सोमवीर सबको ज्ञापन, अब स्टाफ की रिक्रूटमेंट होने लगे अभी भी पूरा नहीं है, बारडा में स्टाफ देख लो स्टाफ नहीं है, अब मेन शिक्षा स्वास्थ्य ये मेन चीज होती है शिक्षा का, बारडा कॉलेज में देख लो वहां कहां स्टाफ है, किसी भी विद्यालय सारे प्राइवेट स्कूल माइग्रेट होने का वो करके इनका प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा है, अब ये जा रहे हैं सारे के गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूलों का किसी स्कूल में स्टाफ नहीं है ढंग का, एजुकेशन नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, यहाँ आप देख लो दादरी में देख लो बारडा में देख लो पीएससी सीएससी से अंदर बुरा हाल है। चलो मान लेते हैं आपकी सरकार यहाँ से आप विधायक बनते हैं या आपका साथी कोई भी हुड्डा साहब की सरकार, एक वादा तो कीजिए, अपने भ्रष्टाचार का नाम लिया कि बारडा में हरियाणा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बारडा में हुआ है, तो क्या ये कार्रवाई होगी? देखिए सरकार बदलेगी क्या भ्रष्टाचार अंदर जाएगा? अभी तो दबा रखा मामले को, निश्चित तौर पे जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार बनते ही वो सारे घोटाले उजागर होंगे, एक एनलिस्ट कर रखा है चाहे वो पंचायत में हो चाहे पीडब्ल्यूडी में हो और चाहे और घोटाले ये हो रहे ना जितने भी धान घोटाला हो चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो चाहे वाइन शराब घोटाला हो, जो सारे ये जो घोटालेबाज कोई भी हो और चाहे ये जो यहाँ बैठे मगरमच्छ छोटे मगरमच्छ इनके घोटाले कर रखे हूँ, सबकी जांच होगी और जांच अच्छे ढंग से बाकायदा माइन्यूटली इन्वेस्टिगेशन होगी, जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। जी तो सब चलते चलते कुछ और कहना चाहोगे हरियाणा के लोगों को, बारडा के लोगों को? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँ बारडा आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा पूरी बारडा की जनता को, ये मौका है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने जिस तरह से चाहे वो किसान आंदोलन में किसानों पे आंसू गए सोडे हों लट चलाए हों राखियां चलाई हों चाहे सरपंच पीटे हों चाहे आंगनबाड़ी और आशा वर्कर पीटी हों लठों के वार करते हैं और चाहे अब बेरोजगारी का हाल, मैं ये कहना चाहूंगा देखो अपने बच्चों को, अग्निवीर एक माँ का बेटा शहीद होता है क्या अग्निवीर की योजना है, क्या उसका अधिकार नहीं है उसको वो सम्मान मिले जो वो मिलता है, 4 साल के बाद बैरिंग हो जाएंगे बेरोजगार हो जाएंगे, अस्थिरता का दौर है युवाओं के अंदर, बेरोजगारी अपराध सब चरम पे है, आप देखो महंगाई मुद्दे ही मुद्दे हैं,
तो हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और आने वाले कल को मैं बालड़ा की जनता से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि एकजुट होकर के जिस साथी को टिकट दे 27,000 नहीं 37,000 से जिताने के बालड़ा की जनता काम करेगी, ऐसा भरोसा है मुझे। ठीक है, और मैं ये कहता हूं जितने टिकटार्थी भाई है मेरे उनसे भी मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहूंगा, भाई टिकट दूसरे ने मिले तो जोरा सरपंच ने मीटिंग में कही दी है चरखी वाला ने, अभी एक ने टिकट मिले बाकी का कर काट जाए तो वो नहीं, अपना पार्टी है, पार्टी मां के बराबर होती है, ईमानदारी से काम करो, जिस भाई को टिकट तक सब प्रयास करो, टिकट मिलने के बाद एकजुट होकर के उसको जिताओ, जब हरियाणा में सरकार बनेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व कांग्रेस की तो विकास की भयार में। तो सब छोटा सा प्रश्न देखो मेरा छोटा सा, हाँ बताइए, आपके पुराने साथी जेजेपी में थे वो भी आपके सामने शायद किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, शायद अगर चुनाव लड़े शायद उनका भी दूसरी पार्टी से नंबर आ जाए, बिल्कुल वो भी आपके सामने फाइट में दिखेंगे, तो कैसा रहेगा ये आपको कैसा लगता है? देखिए क्योंकि वो आपके वहां पे आपकी पार्टी में कट्टर विरोधी थे, कई बार आपकी फाइट देखी गई आपस में दोनों की, और वो आपके सामने फाइट में वो भी आ सकते हैं, अटकलों का बाजार गर्म है, क्या कहेंगे? देखिए ये दंगल है, चुनावी दंगल है मुन्ना जी, कोई भी आए हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है चाहे मैं हो चाहे कोई भी एनीबॉडी एल्स, उस पार्टी को मुकाबले में किस जेजेपी का इनर लोग आएंगे डिफरेंट पार्टी से कैंडिडेट, हमारा मछली वाली आंख दिखती है केवल, मछली की आंख, वो पूछा था ना क्या दिखाई देता है, बोला किसी ने स्वयंवर में द्रौपदी के में तो वो बोला मछली की आंख दिखाई देती है, हमें देखता है आपका काफी कंपटीटर है, हाँ, बिल्कुल, तो वो आप उस बारे में हम कांग्रेस प्रत्याशी को दिखाई देगा, हमें कोई पुराना मित्र दिखाई नहीं देगा, उस कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होगा उसको जिताएंगे। थैंक यू साहब बातचीत के लिए, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आपने कीमती समय दिया, थैंक यू मुन्ना भाई का और हरियाणा न्यूज 24 का भी थैंक्स। तो हमारे साथ डॉक्टर विजय मंदोला खास बातचीत में बने हुए थे बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के रूप में, ये भी तैयारी कर रहे हैं टिकट मांगने का हक सबको है, अब टिकट किसको मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, किसके सिर पे ताज होगा बाड़ा विधानसभा क्षेत्र का, एक दर्जन प्रत्याशी लगातार टिकट मांग रहे हैं, तो कहेंगे डॉक्टर साहब भी पीछे नहीं है और कहते हैं कि सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं और पिछले लगभग 35 साल से राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी में गए, लेकिन घर घर तक कई बार लोगों के पहुंचे हैं और काम भी करवा रहे हैं लोगों के, और कहते हैं सबसे सशक्त उम्मीदवार हूं और पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताना चाहिए और पार्टी भरोसा जताती है, तो डॉक्टर साहब ने साफ संदेश दिया है कांग्रेस को कि 37,000 वोटों से जीत के कांग्रेस की झोले में ये टिकट डालेंगे, तो इस बारे में आपकी क्या राय है डॉक्टर साहब, को वास्तव में ये टिकट मिलनी चाहिए, कितना सही मानते हो कितना गलत मानते हो आप, आपकी राय हमें जरूर चाहिए, क्या वास्तव में डॉक्टर विजय मंदोला को बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट मिलती है तो कितने मार्जिन से जीत सकते हैं या ये नहीं जीत सकते, क्या वास्तव में डॉक्टर विजय मंदोला ने कांग्रेस ज्वाइन करके सही फैसला लिया है, आपकी नजर में कितना सही कितना गलत मानते हो, ये भी आपकी राय जरूर लिख के डालिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद।